नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। रश्मि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया बड़ी शिमला मिर्च। सोया बड़ी शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सोया बड़ियों को पहले ही भिगो कर रख दिया था। और हमें चाहिए शिमला मिर्च, 4 से 5 प्याज, 2 टमाटर, स्वाद अनुसार हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने एक बीट रूट ली है। बीट रूट को हम पूरा नहीं डालेंगे, इसमें से थोड़ा ही डालेंगे। जब भी आप सोया बड़ी बनाएं, उनको भिगोने के बाद इस तरह हाथ से मसलकर उनका पूरा झाग निकाल दें, क्योंकि सोया बड़ी के अंदर बहुत झाग निकलता है। ये देखिए, इस तरीके से करें। हाथ से इस तरीके से दबाकर 2-3 बार साफ पानी से धोएंगे तो पूरा झाग निकल जाएगा। मैंने इनको 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है और इनका पूरा झाग निकल गया है। तो अब हम इनको थोड़ा बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरीके से हम इनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। सोया बड़ी के साथ साथ सभी सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लिया है, तो अब हम सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे, और जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज हमारी जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हमें इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें बीटरूट डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे, और अब हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें सोया बड़ी डाल देंगे। और नमक हमने कम ही डाला था, अभी स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। ये देखिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। और सोया बड़ी शिमला मिर्च की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, कोई टाइम भी नहीं लगता है। हमें मसाले वगैरह पीसने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको इस तरीके से बनी सोया बड़ी शिमला मिर्च की सब्जी कैसी लगी, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।